बादशाह ने कहर ढाया, दारा कोयला आया आया आया। अरे अब तुम्हें इतना तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुझे बाहर निकाल। जान। जब तक ये दोनों हमारी कैद में हैं, प्रीतम प्यारे हम पर हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जीजा जी, दीदी, प्रीतम, जीजा जी, हम यहाँ हैं। हाँ जीजा जी, इतने बड़े हो गए फिर भी लुका जी भी खेल रहे हैं। जीजा जी, बारा बारा कैसे बताएं इनको। जीजा जी आप अंदर कैसे? प्रीतम ये बरनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? बड़ी नहीं हुई है जीजा जी, छोटे हो गए। सॉरी। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं घुसे भाई, दारा कोयला ने बॉटल कर दिया आइस पाइस। दारा दारा मार डाला बॉटल में होने के बावजूद तुमको शेर सूझता क्या बात? वाह मार डाला। प्रीतम प्यारे बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को इतने दिनों बाद देखकर। आपको भी इतने दिनों बाद देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दारा भैया। वैसे प्रिंटर में जाके बड़े पतले हो गए। अच्छा क्या कर रहा है प्यारे? दारा भैया आप यहाँ क्यों पधारे? हम यहाँ हथियार लेने आए हैं। कहाँ है हथियार, जल्दी दो। बस इतनी सी बात थी तो यहाँ तक आने की गुस्ताखी क्यों की? क्या गलती, तकलीफ क्यों ली? हमें कह देते, फोन कर देते, हम कुरियर से आपको सब भेज देते ना। भूतों के बादशाह ने कहर ढाया, दारा कोयला आया आया आया। जाओ हथियार लेकर आओ। और भी डमरू उसकी। हाँ मलिक मलिक सॉरी दारा, अब तो हथियार भी आ गए, अब इनका क्या? अब इन दोनों को बरनी में कैद करूंगा। हाँ तो मैं बरनी ले आता हूँ। अरे दीदी मालिक, वैसे मुझे बीच में बोलने की आदत तो है नहीं, फिर भी बोलता हूँ। आपने प्लान चेंज क्यों किया? इनको बाहर क्यों निकाला? फुस्की। मैंने नहीं निकाला है, ये अपने आप बाहर आए। दारा मुझे लगता है तुम्हारी शक्तियां फिर से कमजोर हो गई है। चलो भागो यहाँ से। अरे अरे बंदूक निकाल। अरे भूतरीना भाभी, दारा भैया यहीं रह गए। जल्दी से बंदूक निकाल। अरे इसे शूट करो, मारो, कमान, जल्दी करो। दारा हमको बरनी में बंद करने आया था, अब देख हम तेरा कैसा बैंड बजाते। अब तू देख। छोड़ छोड़, ये लॉक क्यों है? तब से वही तो कहने की कोशिश कर रहा था, लॉक के लॉक। अरे लॉक खोल इसका। चला चलो चला।
अरे दोनों भाग गए, कितना अच्छा मौका था, दो गवा दिया। सॉरी। कोई बात नहीं जीजी, अब शेर के पास उसके नाखून नहीं रहे। अहिला घर में शेर आके गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं मेरे जी। ये मेरा मतलब है दारा के पास उसकी शक्तियां नहीं रही। सॉरी, अब हम उसे यूं पकड़ लेंगे, यूं छोड़ेंगे नहीं हम उसको। अरे तुम लोग छोड़ो या ना छोड़ो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। डोंट वरी जीजा जी, जब तक प्रीतम प्यारे है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम वादा करते हैं कि दारा का 12 बजा देंगे और भूतों का कहर इस दुनिया से हटा देंगे। शाबाश मेरे मिट्टी के शेरो, अब माने ना कि मेरे भाई से असली हीरो। मार डाला दीदी, मार डाला, मार डाला गोगी। दारा, तुम्हारी शक्ति कम हो गई है, जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हम प्रीतम और प्यारे का मुकाबला कैसे करेंगे। ए मलिक, ए भूतिना एकदम बराबर बोलता है, अगर आपका शक्ति पहले जैसा होता ना तो अभी तक वो लोग सब बोतल का भीतर में बंद हो गया होता। हाँ। मालिक, वैसे मुझे बीच में बोलने की आदत तो है नहीं, फिर भी बोलना पड़ेगा, आज आपकी वजह से हमने सुनहरा मौका गवा दिया। ये भी एकदम बराबर बोलता है। अरे धन्यवाद दीजिए भूतिना को, जो सही समय पे आपको इधर वापस ले आया, वरना आज तो प्रीतम प्यारे आपका कल्याण कर देता। अरे कैसा राजा है मालिक का, एक भी शक्ति तो बचा नहीं है आपके पास में। देखनी है और किसी को शक्ति देखनी है। माली, हमसे गलती हो गया माली, आपका शक्ति हम अच्छे से देख लिया, अभी हमको नीचे उतार दीजिए माली। माली बुटरीना, तुम तो हमारा बात सुनो, हमको नीचे उतारो, तुम तो हमको भैया बोलता है। लेकिन तुम्हें तो ये अच्छा नहीं लगता ना? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमको बार बार भैया बोलो, हजार बार भैया बोलो, किंतु हमको नीचे उतारो, हमको डर लगता है बुटरीना। माली ऐसा मत कीजिए, हमको नीचे उतारिए, इधर ही मर जाएगा नहीं तो हम। देखा मालिक, हम एकदम सही बोला था, आपका शक्ति कम हो गया है, अगर आपका शक्ति आपके पास होता ना पहले जैसा तो अभी हम ऊपर ही लटका रहा होता। नहीं, दारा भूतों का बादशाह था, है और रहेगा, वो कभी हार नहीं मानेगा, वो अपनी शक्तियां वापस हासिल करेगा और प्रीतम प्यारे का नाम और निशान मिटा देगा, और फिर लोग कहेंगे कि भूतों के बादशाह ने कहर ढाया, दारा कोयला आया, आया, आया। रॉकेट ड्रॉइंग रूम में, रॉकेट क्या करके आ रहे हो तुम लोग, चांद पर जाने की तैयारी? जीजा जी ये मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है, अपने जीजा जी के साथ मजाक कर रहा है। सॉरी, चल गया पता। जी मैं बताता हूँ, हमने रॉकेट बनाया है दारा का खेल तमाम करने के लिए। शाबाश। हाँ जी जी, दारा कोयला जहाँ कहीं भी होगा ये रॉकेट उसे ढूंढ कर उसका नामो निशान मिटा देगा और फिर आप खत्म। आपके मन में जो दारा कोयला के लिए डर है वो खत्म। सॉरी। चल चल पीतम, जल्दी से ये रॉकेट छोड़ते हैं और दारा कोयला की बैंड बजाते हैं। यस, हम ये रॉकेट नहीं उड़ाएंगे। हाँ? ये रॉकेट जीजा जी छोड़ेंगे। जीजा जी, आपको दारा कोयला ने महामोटे बोल के बहुत इंसल्ट किया ना, ऊपर से आपको डराया भी, धमकाया भी। कोई बात नहीं जीजा जी, अब आप अपने शुभ हाथों से काम कीजिए, ये रॉकेट ऑन कीजिए और दारा कोयला पे छोड़ दीजिए। क्या बात है मेरे मिट्टी के शेरो, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। दारा कोयला, अब तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। यू विल बी नो मोर दारा कोयला। जीजा जी, लाल बटन दबाने से ये क्या किया, गलत बटन दबा।
दिया आपने? है? क्या बात कर रहा है? भागिए जल्दी भागिए! अरे रो 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 रोको, इसे बंद करो, कुछ करो। अरे भागिए जीजाजी! भागिए! रोको इसे! भागिए! अरे अरे रोको! अरे रोको! रोको इसे! प्रीतम प्यारे! कुछ करो! अरे कुछ करो! अरे क्या? अरे कुछ करो! ये क्या किया? ये तुम लोगों ने क्या किया? जीजा जी, मैं आपको कब से वही तो कह रहा था कि ये लाल बटन दबाने से वो बटन दबाने वाले पर ही रॉकेट आएगा, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को, नहीं छोड़ूंगा जी, नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं जी, जी जी ऐसा मत कीजिए जीजा जी। मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। आपको मारना है ना, आप मार लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुंह तो धो के आइए, कपड़े बदल के आइए। कोई आपको ऐसे दिखेगा तो क्या सोचेगा? सोचेगा कि जीजा जी ने दीवाला फूंक दिया। क्या? रॉकेट का दीवाला फूंक दिया। रॉकेट फूंक दिया, सॉरी। अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे इस बार फिर जिया जी का हमारी वजह से बैंड बज गया। अरे वो छोड़, हमारे रॉकेट का बैंड बज गया, वो सोच कितनी मेहनत से बनाया था वो रॉकेट हमने। अरे ये छोड़, अब हमें जिया जी दोबारा बठिंडा भेज देंगे। पुरानी कहानी थी, हमने दारा कोयला को मारने के लिए रॉकेट बनाया था, वो जी जी पे फट गया। हमें बठिंडा नहीं जाना दीदी, नहीं जाना बठिंडा, नहीं जाना बठिंडा, नहीं। काम्स डाउन भाईस, काम्स डाउन। अरे तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मैं हूं ना, डोंट वरी। यस यस, नो जाओ बे बठिंडा। ये रहा तुम्हारा टिकट जीजा जी, प्लीज हमें बठिंडा मत, आप तो इतनी जल्दी टिकट भी निकाल रहे। हाँ जी, मैं बठिंडा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हाँ जी जी प्लीज, इतनी छोटी सी गलती वो भी आपकी, और इतनी बड़ी सजा वो भी हमें। नहीं जी जी, जीजा जी, जीजा जी, हमने कितने अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं, कितनी बार आपकी जान बचाई है, आपके हाथों से मार खाई है, फिर भी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जीजा जी? जीजा जी, हम तो घोष बस्तर बनना भी नहीं चाहते थे, आप ही ने हमें बना दिया। और ऊपर से याद है पहली बार जब हम हवेली में गए थे, कैसे हमारे हाथों गलती से दारा को लगी बैंड बज गई थी? उसके बाद जीजा जी, आपने ही कहा था कि भूतों को भगाने का बिजनेस हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए आपने आपने हमें भूतों को भगाने की कंपनी खोल कर दी थी। हाँ। याद है आपको? याद कीजिए। आपने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया, हवेली से भूतों को भगा दिया, इसीलिए ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। हम आप लोगों के कारनामों का प्रचार आस पास के सारे गाँव में करेंगे, और फिर वहाँ के लोग भी अपने गाँव के भूतों को भगाने के लिए आप लोगों को ही बुलाएंगे। इतने सारे पैसे,
ये भूतों को भगाने का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है। क्यों ना मैं प्रीतम प्यारे के लिए भूतों को भगाने का बिजनेस खोल दूं? जय जी, और आप ही ने भूत मारी जी को हमारी हेल्प के लिए भेजा, और उसके बाद हमने भूत मारी जी से घोस्टबस्टर बनने की तालीम हासिल की, याद है ना आपको? नहीं, उससे थोड़ा पहले का याद कर, पहले का। भूत मारी जी से पहले मेरी ही आई थी, याद है जी आपको? आपने अपनी कंपनी की सेक्रेटरी यानी मेरी जी को हटाकर हमारी कंपनी की सेक्रेटरी बना दिया, हमारी मेरी जी। हाँ, उसके बाद हम लोग इतने बड़े घोस्टबस्टर बन गए। क्या कीजिए जी, जी हमने कैसे उस बीच को भगाया था? वो इजिप्शियन मम्मी, उस इजिप्शियन मम्मी से भी हमने आपकी जान बचाई थी। तुम लोग जाओ। और याद है आपकी स्कूल में एक बार भूत आया था, उस भूत बच्चे को भी हमने ही भगाया था। तुमने टीचर्स को डराया, जिसकी वजह से टीचर्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया। हाँ। जिसकी वजह से हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर कि आज से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़े। यहाँ तक कि आपकी खातिर हमने भूतों के साथ क्रिकेट भी खेल लिया। क्या क्या नहीं किया जीजा जी, क्या क्या नहीं किया, फिर भी आप हमारे साथ ऐसा करोगे? बस बस बस, बहुत हो गए तुम्हारे फ्लैशबैक्स। वो फ्लैशबैक्स तो नहीं दिखाए जिसमें मेरी बैंड बजी थी? याद है तुम्हारे वो ग्लव्स जिसकी वजह से मेरी दोनों आंखें? यहाँ तक कि मैं किडनैप भी हो गया। और गिनाऊ मैं? नहीं जी जी, अब छोड़िए ना पुरानी बात, तुम्हें क्या रखा है? सॉरी। वेल थैंक यू। तुम पुरानी बातें याद दिला सकते हो, और अगर मैं पुरानी बातें याद दिलाऊं तो भूल जाओ जीजा जी, भूल जाओ। अरे गिर जाऊंगा। जानू प्लीज जानू, छोड़ दीजिए ना ये जिद का झंडा, मत भेजिए मेरे भाई इसको भटिंदा। मार डाला गुग्गी, लेकिन इन लोगों को तो जाना ही पड़ेगा भटिंदा। हाँ तो सर, टिकट कैंसिल भी तो हो सकती है ना। हाँ, अगर राय चाहिए तो। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि टिकट कट चुका है और ये लोग जाएंगे भटिंदा। लो। ठीक है जी, जैसे आपकी इच्छा। आप बने, आपकी टिकट सर आंखों पर। भूतों को भगाने में, भूतों को पकड़ने में, और तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी कितने पापड़ बेले हैं। मैंने, गुग्गी ने और मेरी ने, इसलिए एक वेकेशन तो बनता ही है। ऑफ कोर्स जी, हम सब धूमधाम से हॉलीडे मनाएंगे। हाँ जीजा जी, क्योंकि हम साथ साथ हैं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.